हेलो माय डियर लिटिल साइंटिस्ट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे आज करेंगे क्लास प्लस टू का चैप्टर फाइव का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स फाइंडिंग। ठीक है, तो पहली वाली वीडियो में हमने किया था क्लियर कि जो मेंडल है उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए पी प्लांट के ऊपर और बहुत कुछ फाइंड आउट किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे रीजन से जो उन्होंने जो भी काम किया, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो किए पी प्लांट के ऊपर, जो उनके रिजल्ट्स थे वो पब्लिक की नज़र में नहीं आए, जो जो बाकी के बायोलॉजिस्ट थे साइंटिस्ट थे उनकी नज़र में नहीं है, वो अप्रिशिएट नहीं किया गया ड्यू टू नंबर ऑफ रीजन्स। बहुत सारे रीजन्स थे कि उनके रिजल्ट्स क्यों नहीं आए, बहुत सारे लोगों के सामने, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट के सामने, उनकी नज़र के सामने नहीं आए। तो जब इनके डेथ हो गई, डेथ के बाद 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके वर्क को, इनके रिजल्ट्स को रीडिस्कवर किया, दोबारा फाइंड आउट किया कि जो भी मेंडल ने काम किया उसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट किया। तो सबसे पहले करेंगे कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स फाइंडिंग में, ठीक है, कि उस टाइम में जब मेंडल थे तो उनका जो ग्रेट वर्क किया, जो ग्रेट डिस्कवरी की, ठीक है, वो बाकी बायोलॉजिस्ट के सामने अप्रिशिएट क्यों नहीं की। तो सबसे पहला रीज़न था कि उन्होंने जो भी काम किया, जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए पी प्लांट के ऊपर, ही पब्लिश्ड इट इन अ जर्नल दैट हैड लिमिटेड सर्कुलेशन। एक जर्नल से में ही उन्होंने पब्लिश कर दिया, ठीक है, लेकिन जो उसकी जो सर्कुलेशन थी बहुत लिमिटेड थी, तो बाकी लोगों के सामने नहीं आए। एंड ही वॉज हिमसेल्फ नॉट श्योर ऑफ हिज फाइंडिंग। जो भी उन्होंने वर्क किया, जो भी काम किया, जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, वो श्योर नहीं थे कि ये ठीक है कि नहीं ठीक, ठीक है। सो उसके बाद क्या था, द माइंड ऑफ बायोलॉजिस्ट वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद द डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो जब मेंडल थे उन्होंने काम किया तो बाकी जो बायोलॉजिस्ट थे उनका जो माइंड था पूरा का पूरा डार्विन की थ्योरी के ऊपर था। ठीक है, उनका ध्यान डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर था, तो उनका जो ध्यान था मेंडल के वर्क के ऊपर नहीं किया। तो जो मेंडल है, ही डाइड इन 1884 ऑफ किडनी डिसऑर्डर विदाउट नोइंग दैट ही हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। 1884 में क्या हुआ, मेंडल की डेथ हुई ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर की वजह से। ठीक है जी, तो उनको खुद को भी नहीं फाइंड आउट था, पता था कि ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतने जो भी है लॉज प्रिंसिपल बनाए कि व्हाट इज जेनेटिक्स, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज हेरिडिटी। ठीक है, तो उसके बाद क्या था बच्चे, जो मेन टॉपिक है हमारा, ये तो सिंपल से अपने रीजंस के कि जब मेंडल थे उस टाइम में उनका जो वर्क था बाकी बायोलॉजिस्ट की नज़र के सामने क्यों नहीं आया, बाकी लोग उनके काम को क्यों नहीं जान पाए। ठीक है, तो उसकी वजह ये थी क्योंकि उस टाइम में जो बाकी के बायोलॉजिस्ट का ध्यान था, माइंड जो सेटअप था, प्री ऑक्यूपाइड था डार्विन की थ्योरी के ऊपर, उसके साथ साथ मेंडल को भी अपने काम के ऊपर श्योर नहीं था कि दैट जो भी उन्होंने फाइंड आउट किया, ही वॉज नॉट श्योर। ठीक है, एट दैट टाइम तो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल फाइंडिंग्स में इन 1900 में क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट आए, बायोलॉजिस्ट आए, उसका नेम क्या है, हिगोरी ब्राइस ऑफ नदरलैंड, कॉल कॉर्न्स ऑफ जर्मनी, एरिक वॉन टिस्पा इन ऑस्ट्रिया। ठीक है, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, जो भी मेंडल ने काम किया, फाइंड आउट किया, जो भी डिस्कवरी की उसके काम को रीडिस्कवर किया। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंटली किया, साथ में नहीं किया, जैसे हिगोरी ब्राइस ने अकेले काम किया, इन्होंने अकेले काम किया, तो इस एरिक वॉन टिस्पा ने अकेले काम किया, इन तीनों बायोलॉजिस्ट ने अकेले अकेले काम किया, किसके ऊपर, जो भी मेंडल ने काम किया उसके जो डिस्कवरी थी, जो भी मेंडल ने फाइंड आउट किया, जो भी एक्सपेरिमेंट किए उसको दोबारा, उसके रिजल्ट्स को दोबारा रीडिस्कवर किया। तो लकीली क्या हुआ, इन तीनों के जो भी रिजल्ट थे, ये वाले इन तीनों बायोलॉजिस्ट के जो रिजल्ट थे वो सिमिलर थे किसके साथ, मेंडल के ऊपर। ठीक है, सो दीज साइंटिस्ट डिजर्व ऑल द क्रेडिट फॉर नेमिंग देम आफ्टर द मेंडल एंड फॉर ब्रिंगिंग देम टू द नोटिस ऑफ द बायोलॉजिस्ट। तो ये इन तीन साइंटिस्ट की वजह से ही मेंडल को एक नेम दिया गया। ठीक है, उसके काम को दुनिया के सामने लाया गया, एंड ब्रिंगिंग देम टू द नोटिस ऑफ द अदर बायोलॉजिस्ट, जो बाकी के बायोलॉजिस्ट थे उनके सामने भी उसके काम को रिप्रेजेंट किया गया कि मेंडल ने इतना बड़ा काम किया। इनको कैसे पता चला, क्योंकि जो भी मेंडल ने काम किया था
ठीक है, पी प्लांट के ऊपर जो भी डिस्कवरी की थी उसके रिजल्ट को दोबारा रीडिस्कवर किया था इंडिपेंडेंटली। तो इनको पता चल गया इनके रिजल्ट्स और मेंडल के रिजल्ट के साथ जो भी सिमिलरिटीज आने लगी। तो दैट इज वाई इन तीन साइंटिस्ट की वजह से सभी दुनिया को, बायोलॉजिस्ट को उसके काम के बारे में पता चला। सो मेंडल वर्क वॉज गॉट रीपब्लिश्ड बाय डी वराइस इन फ्लोरा इन 1901। 1901 में जो मेंडल का काम था उसको रीपब्लिश किया गया, किसने किया? डी वराइस ने। सो दिस इज अ रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल फाइंडिंग, मीन्स कि मेंडल के जो रिजल्ट थे, जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, डिस्कवरी की, उसकी रीडिस्कवरी किसने की? तो बच्चे एक मार्क में, दो मार्क में ये क्वेश्चन आ जाता है, हु रीडिस्कवर्ड द मेंडल फाइंडिंग्स। तो आपको तीन साइंटिस्ट के नेम, बायोलॉजिस्ट के नेम पता होना चाहिए, तो ये भी पता होना चाहिए इनों तीनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया किसके ऊपर? मेंडल के रिजल्ट्स के ऊपर। तो इन तीनों की वजह से ही ये डिजर्व करते हैं मेंडल को इस दुनिया के सामने लाने में, कि मेंडल ने इतना बड़ा काम किया बायोलॉजिस्ट के सामने। सो बच्चे, दिस इज नाउ द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू।